بسم الله बसी बबाद मैं अपने तमाम मामलात को अफ़ेयर्स को अल्लाह के हवाले करता हूँ अल्लाह अपने बंदों की ज़रूरतों से अच्छी तरह से वाकिफ है वाला वला कुव्वता इल्ला क़वत अज़ीम कोई क़वत कोई ताक़त दुनिया में है ही नहीं अगऱवत ताकत है तो सिर्फ़ अल्लाह की है। तो आऊदबिल्ला शैतान रजीन मैं बारगा पर में पनाह लेता हूँ शैतान मरदूत से हमारी ज़बान से न जाने कितनी मरतबाही जुमले निकलते हैं लेकिन इसकी गहराइयों से शायद हम दूर जब हम कहते हैं अर्दू के माने क्या हैं अगर मलकूत अगर क़वत अगर हुकूमत किसी के पास है तो सिर्फ़ अल्लाह के पास है और इस मलकूत के मुकाबल में जो भी आता है वो शैतानी क़वत सरकार रसालतमा आप सल्ला ने, ने फरमाया कि देखा सरकार ने दो मुसलमान एक दूसरे के दरमियान इख्तलाफ करते बदगुई करते हैं कोशिश करते हैं दूसरे के दिल में दुश्मनी को भार दे बदब जब गुस्सा आ जाए तो सरकार ने फ़रमाया कि मैंने कोई ऐसा जुमला नहीं देखा जो गुस्से को ख़त्म कर दे वो जुमला क्या है आऊद बिल्ला ही मिना तो गु़स्सा भी शैतानी क़वतों का हिस्सा है रहमानी क़वतों से उसका रबा नहीं है जो ग़ुस्सा किया उसने कहा मजनून मजनूरानी या रसोल्ला क्या मैं दीवाना हूँ सरकार ने फ़रमाया क़ुरान की आयत पढ़ व इमज़न न कमिन शैत नज़ुन फ़स्ताद बिल् मिन शैतान न अगर शैतान तुम्हें उभारे शैतान तुम्हें गुस्से को तुम्हारे गुस्से को तुम्हारे ग़ुस्से में इजाफ़ा करे तो उस वक्त क्या करो मिन शैतान जी इसीलिए क़ुरान मजीद ने बारहा कहा है कि अफकार शैतानी इस तरह से इंसान के वजूद में दाखिल हो जाते हैं इंसान समझता है कि वो ख़ुद सोच रहा है लेकिन वो सोच नहीं रहा है उससे कहा जा रहा है कि इस तरह से सोचो यूसफ सूफ़ी सदूरन नास बहुत ही ख़तरनाक है कि हमारे सिस्टम में आ जाए और हम ये समझ रहे हैं कि हम बोल रहे हैं लेकिन हकीकत में जो बुलवा रहा है वो शैतान बसमिल्लर इब्ता अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है अल्हदिल्ल कबल्याद के माने हैं तमाम तरह की तारीफ़ें हर तरह की तारीफ़ तारीफ़ किसी की नहीं सिर्फ की है सिर्फ़ अल्लाह की अलहमद जिन्स है किसी भी चाहे किसी भी चीज़ की किसी भी ब्यूटी की किसी भी ग़ा की जब हम तारीफ़ करते हैं ये तारीफ़ उस चीज़ की नहीं है हकीकत में तारीफ़ अल्लाह की है वो कौन है वो अव्वल है अल्लाह के सिफात में क़रन मजीद कहता है वो अव्वल है और आखिर लेकिन जब हम अव्वल कहते हैं हमारे जहन में कुछ नहीं था फिर अव्वल हुआ तो फिर शिरक़ हो गया इसीलिए मासूम ने ताकीद की न ऐसे अव्वल मानो कबल इन कुछ नहीं था फिर भी अव्वल था और इमाम सज्जाद बिला अव्वल का ना कबला वो ऐसा अव्वल है उससे पहले कोई अव्वल नहीं था और कोई ज़िंदा नहीं था कोई ज़िंदगी नहीं थी ज़िंदगी भी रहमत परवरदिगार है ज़िंदा भी अल्लाह कर रहा है और आज साइंटिस्ट जो सबसे ज़्यादा परेशान हैं वो यह है कि ठीक है हम बिलीव करें कोई क्रिएटर है तो जब कोई चीज़ नहीं थी तो कैसे खल हुआ इफ दरवाज़ना नथिंग कुछ भी नहीं था तो पैदा कैसे किया गया कुरान ने भी इसका मसला हल किया है शहज़ादी फातिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मशहूर खुतबे में फरमाती हैं खलकल खलकल कल ला इंसान जो भी बनाता है वो शे से बनाता है नामुमकिन है कि ला शे से बना किसी चीज़ ना हो फिर बना दे इम्कान नहीं है जात ता वो जात है जो लाश से शे बनाई वो तो मसला जो साइंसदान के लिए बहुत मुश्किल है साइंटिस्ट के लिए समझना तो वहाँ पर इस्लाम ही कहता है कि क्रिएटर ऑफ ए थिंग अगर किसी चीज़ को बनाया गया है वो बनाने वाला भी खालक है जब कुछ नहीं था कुछ होने को जो बनाया है वो भी खालक और जब अव्वल है तो ज़ाहिर से बात है आखिर भी वही है मन अलैहा फ़ान वब का वजह रब्ब कदुल जलली हर चीज़ फ़ना हो जाएगी कुछ बाकी नहीं रहेगा ना हमारा वजूद ना घर ना दार ना गाड़ी ना बाइडी कुछ बाकी नहीं रहेगा कुल्ल मन अलई फान ये जो फ़ना का खौफ है इंसान में नहीं होना है फ़ना इसीलिए ये कहते हैं खलक तुम लिलबका लल फ़ना तुमको बाकी रहने के लिए खल किया गया है फ़ना होने के लिए तो क्या रास्ता है कि इंसान बाकी रह सके कुरान ने उसका जवाब देता है कुल मन फान व यबका वजहु रब कदुल जलाई अगर कोई बाकी रहेगा इकराम है अगर उस ज़ात से मुलक हो जाओ तो फिर तुम्हारी बका है अगर तुम बाकी रहना चाहते हो उससे मुंसलक हो जाओ उससे मरबूत हो जाओ कुरान लिए सब्लैी खुत लूफ़ी सभी आम हुआ था इधर मौलाना, तो आगे बढ़े सलवा पढ़े मोहम्मद तुम गुमान भी ना करो अल्लाह सब्लदीन खुत लूफ़ी सभी तुम ख्याल भी ना करो तसवुर भी ना करो इमेजिनेशन भी ना करो कि राह खुदा में जो कत्ल होते हैं शहीद होते हैं वो ख़त्म होते हैं तो ये क्या रहा है खुदा क्या वो कुल कुल्लु मन अलैहा आफान व व्यबका का रास्ता ज़्यादा परवरदिगार बता रहा है इंसान तुझे खौफ है मरने से खौफ है फना हो जाने से खौफ है तो बाकी रहना चाहता है रास्ता यही है कि उस रास्ते में ख़त्म हो जाए अब यह कि जंग नहीं है इस्लामी जंग नहीं है कहीं पर या सरकार भी नहीं है इमाम भी नहीं हुक्म जंग दें उसका भी इलाज बताया मासूम ने मौल अमिरमिनी नेब नबी तलेबल मनमात अला फ़राशिन जो मर जाए कहाँ पर बिस्तर पर फन अल्लाह उसका स्टेटस ये होना चाहिए उसकी हकीक़त ये होना चाहिए कि वह अल्लाह की मार्फत रखता हूँ वह रसूल है और रसूलुल्लाह को भी जानता हूँ वह अहल बैतें माता शहीदा बिस्तर मर्ग पर मर रहा है लेकिन इरफान परवरदिगार है इरफान रिसालत है इरफान अहल बैत है वो बिस्तर पर नहीं मर रहा है मैदान जंग में मर रहा है जब मैदान जंग में मर रहा है फिर वो उस कुछ तुम गुम नाम नाम समझो सलवाद पड़ी मोहम्मद वला शकरा, वला खैयन दाँ वला रजा, मन रजा अल्लाह किसी की उम्मीद को तोड़ता नहीं है तमाम उम्मीदें उसी के पास जाते हैं हर मर्तबा उसी के बारगाह में रहें अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल करने का वायदा किया है और बाज वक्त पूछते हैं मौलाना जब दुआ मा, मा, माशा अल्लाह सब कुछ दे दिया दुआ कह की आने कहता है कि इस्तबार है दुआ ना करना दुआ को इसलिए नहीं मांगो कि कुछ मिलेगा दुआ करना खुद इबादत वन शद वाहद उला शरीक हम लोग गवाही देते हैं कि कोई नहीं है कोई ज़ात नहीं सिवाय पर वाहद उला शरीक व नहमदन महमद अब दोसूल हम गवाही देते हैं मोहम्मद सल्हल्ल उनके आब्द हैं ये बहुत ही अहम नुक्ता है जो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को अलग कर देता है क्रिश्चियनिटी ने जो मिस्टेक किया है वो अल्लाह की ज़ात में शिरक है इसीलिए हाँ हमारे यहाँ तशाह में अशद महमदन आब्द हो पहले आब्द हो आबिद नहीं आब्द हो आब्द हो गए तो फिर उसके बाद नबूवत भी मुमकिन है रसालत भी मुमकिन है इमामत भी मुमकिन है आब्द जब नहीं होगा तो उसको कुछ मिलने वाला नहीं है रसूलुल्लाह की रसालत से पहले जिस चीज़ की गवाही देनी है वह आब्दीत रसालत की है उसी तरह से अली की तारीफ़ करने से पहले जिस चीज़ की गवाही देना है वह आबदीत अलीबनबी ताल अब नमसुमीना हजाल हम गवाहिदे थे इमाम अली और उनकी पाक पाकिज़ा ख़ानदान तो ग्यारह इमाम हमारे हजज हैं हमारे लिए दलील हैं ऊसी खू में इबादल्ह मैं अपने लिए और आप तमाम के लिए इबादत गुजारान जमक में शरीक होने वाले तकबे की दावत देता हूँ अल्लाह हमें अपनी ज़िंदगी को महवर झा परिगार में चलने की तौफीक इनायत फरमाए तकबे की तारीफ़ें कराम तश्री फरमाएँ कई की गई हैं और उर्दू में बेहतरीन तर्जुमा है परहेज़गारी। यानी परहेज़ वही करता है जो जानता है कि किस चीज़ से परहेज़ करना है जी डॉक्टर ने बताया कि अब शक्कर मत खाओ आप मीठा मत खाओ अब तुम्हें शुगर आ गई है अब उसके बाद बचने लगी ये परहेजगारी नहीं है शुगर से पहले ही परहेज़ करे तो तकवा ये नहीं कि किसी चीज़ को बीमारी आने के बाद इंसान अपस्टेनसनेस जो जा रुक जाए अपने आप को रोक दे वो परहेजगारी नहीं है परहेजगारी यह है कि अपने वजूद को किसी तरह के गुनाह से बचाई बहुत ही मुश्किल काम है लेकिन अल्लाह की मदद हो जाए तो यकीनज़ा परोगार हमें हर मरहले में आसानियाँ अता फ़रमाएगा आज अजसात सफ़र है और विलादत बाबुल होवायज मुसबन जाफ़र आपकी तरफ़ से एक हदीस उसके बाद हम दूसरे खुतबे की तरफ मौलान ने फरमाया कि मैन का ईमान दो तराजू के पलड़े के मानंद हैं जैसे जैसे ईमान में इजाफा होगा वैसे वैसे इम्तिहानात में भी इजाफा होगा ये क्यों भाई क्या वजह है बन्ना सैदरक सदा यक़ुल आमन आमनलायफनू अल्लाह हमें ख़ालि करना चाहता है प्योर करना चाहता है जिस तरह से सोना निकलता है ज़मीन से तो रॉ मटेरियल निकलता है उसको कई मरतबा भट्टियों में डालना पड़ता है गर्म करना पड़ता है आग में जलाना पड़ता है केमिकल मिलाना पड़ता है उसके बाद जा कर के कहीं ख़ालिश बनता है ईमान को भी ज़ात पर्वगार हमें बार बार इम्तहानों से ख़ालि करना चाहता है हती ये अखलास ये ख़ालि करना ज़िंदगी पर ख़त्म नहीं होता बल्कि हा ये पढ़ते हैं तलक़ीन में सब्बत बिलकौल ताबत व हदा कल्लासरातम मुस्तम तो ये बरज़क़ में जो अज़ा वग़ैरह जो बताया गया क्यों इसलिए कि जन्नत सिर्फ ख़ालिस प्योर लोगों के लिए वहाँ गंदगी नहीं होती इंसान ने जितनी गंदगियाँ की हैं उसकी सफ़ाई होना ज़रूरी है ताकि वहाँ जब उठे तो उन जवाब के साथ मुलहक होने की ताकत रख सके इसीलिए रिवायात में है कि यकीन मौला आते हैं कबर में जवाब देने के लिए साथ देने के लिए लेकिन जब मौला आते हैं कहते हैं बाज लोगों के लिए उसी रात कब्र में बाज लोगों के लिए दस साल बाद बाज लोगों के लिए सौ साल बाद बाज लोगों के लिए हज़ार साल बाद क्यों इसलिए कि वो तत्हिर के दामन में पलने वाले हैं जब तक हम पाक नहीं होंगे उस वक्त मौला सराने नहीं आएंगे अल्लाह हमें हर गुनाह से बचाए और उम्मीद है कि हम लोग अपने आप को सबसे बड़ा गुनाह इंसान किसी से कुदूरत रखे किसी से बौग रखे बौग्ज़ मोमिन को साफ दिल होना चाहिए किसी तरह की क़ुदूरतें दिल में नहीं होना चाहिए शैतानी क़ुव्वत पहले हमें बांटना चाहती है और जब इससे दूर हो जाएंगे इन हमारे मराहिल आसान होते ही चले जाएँगे इहसन अलहदीत व अब लगल मददतल हसन किताबुल्ल أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر <applause> اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له والصلاه والسلام على خير خلقه واشرف بريته سيدنا مولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على إنسية الحوراء ولبتول العذراء أم الأئمة النجباء فاطمة الزهراء اللهم الله والصلاة والسلام على أئمة المسلمين عليّ أمير المؤمنين. الله, الله. الله وحمد وحمد وحمد. والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. اللهم صل على وعلى بن الحسين ومحمد بن عليّ. اللهم الله. صل على محمد وجعفر بن محمد وموسى ابن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي اللهم صل على محمد حججك على عبادك وأمنائك في بلادك الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من اعوانه وانصاره اللهم انصر حماة المسلمين وسراياهم ومرابطيهم في مشارق الارض ومغاربها اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات تابع بيننا بينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير اما بعد

मस्ताहब है कहीं कोई ना समझे कि ना पढ़ा कोई आलिम कोई ना जल्ला कोई दूसरा सुरह पढ़े तो नमाज चली गई ना मस्तब है उससे बेहतर अहम यह है कि खुद जुमे की फजीलत को समझना भी उससे ज़्यादा अहम है अगर टाइम किसी के बाद कंस्ट्रेन है बताया जाता है इतने टाइम के अंदर नमाज ख़त्म होना है तो जुम्मे में ज़्यादा टाइम लगाने के बजाय खुतबे में टाइम लगाइए ताकि इरफान नमाज हो तो फिर सजदे में लज्जत भी होगी तो इसीलिए खुतबा हमारे पास दो रकात के मुकाबिल में है और चार रकात की जगह दो रकात क्यों हो गई दो रकात की जगह दो खुतबे लिए गए हैं रिवायात में हैं बल्कि इमाम रजा फरमाते हैं युख बेरहम बे माँ वाक फिल आफाक ये ज़िम्मेदारी है कि जो जुम्मे का खुतबा दे रहा हो वो हालात हाजरा पर निगाह रख कर एनालाइज करे से बहुत ही मुश्किल काम है मुझे से तालम के लिए हुक्म हुआ तो आ गए हैं मगर दो जुमले इन उम्मीद है कि इस सुर जुमे से हम ले करके जाएँ या यह लदीन आमनों गुफ्तगु ममिन से इदानी अलसलात मिलजुमत जब जुमे के दिन नमाज़ के लिए अदा दी जाए फस आओ अला दिखरल वर बाय भागो किसकी तरफ अल्लाह के ज़िक्र की तरफ अपनी तिजारत को छोड़ दो ये नुकता है ख़ास बात हमारे पास इस्लाम में हॉलीडे जुम्मा है हॉलीडे के माने घर में बैठना नहीं है तजारत करो जब नमाज का वक्त आए तिजारत छोड़ो ना है कि आज हॉलीडे है तो सुबह से ही घर में बैठे हुए हैं ना इधा नलातमी योमिल जुम आ फंसाओ नमाज के लिए जब अदा दी जाए ज़िक्र परवरदिगार के लिए तुम भागो दौड़ो और तुम ये समझ रहे हो कि दोपहर का वक्त है बेहतरीन बिज़नेस हो रहा है यहाँ पर कमोडिटीज़ चल रही हैं और लाखों का धंधा हो रहा है ऐसे मौके पर ये बिज़नेस छोड़ दूँ ये कैसे हैं ज़ात पर ये कहता है कि मुझे इल्म है रिज्क तुम नहीं हासिल कर रहे हो मैं दे रहा हूँ उसके बाद क़ुरान कहता है फ़दय सला तो फ़न तशर फ़िलद जब नमाज़ ख़त्म हो जाए तो फिर मुंतशर हो जाओ घर में जा के फिर बैठो नहीं सरत नबी सल्लम ये लिखा हुआ है कि सरकार जुमे के दिन नमाज जुमे के बाद बाजार में जा कर के कुछ न कुछ खरीदते थे बाज़ार में जाते थे ताकि लोग ये ना समझें कि जुम्मा के माने हॉलीडे है ख़त्म हो गया है मुझे घर में बैठे रहना है ना जुम्मे के माने सिर्फ नमाज़ के लिए जाओ फिर अपने काम में लग जाओ क़ुरान भी इदा सलाह जब नमाज़ ख़त्म हो जाए फ़न फिल और ज़मीन पर मुंतशिर हो जाओ वब तगोन फ़द्लिल्ला जहाँ पर तुमने बिज़नेस छोड़ा तो वहाँ पर फिर बिज़नेस शुरू कर दो और ये याद रख लो रिस्क देने वाला ज़ात परवदगार वब तगोन फ़द्लिल्ला वुर अल्लाह का जिक्र ज़्यादा करो बिज़नेस में खसूस ज़्यादा जिक्र करो इसलिए कि कमाले ना कमाल नहीं है हलाल कमाना कमाल है मौला मिली के खिलाफत के ज़माने में अल सलाम चूँकि तजारत का तस्कर आया इसीलिए मैं ये हदीस को सुना तो मौला जो है कोफे के बाज़ार में दरमियान तकरीबा जोहर से पहले बाज़ार जब गर्म था बीच बाज़ार में पहुँचते हैं रोने लगते हैं अब अंदाज़ा करें कि वली वक्त खलीफ वक्त मौलानी का रोना बीच बाज़ार में सब लोग अपना बिजनेस छोड़ कर वापस आ गए मौलाना एक तारीख़ी जुमला का मत जर पहले हासिल करो, पहले शरीयत के अहकाम जानो उसके बाद तिजारत करो इसलिए कि इस्लाम में तजारत करना बहुत अच्छी चीज़ है कौन सी तजारत हलाल तजारत करना अच्छी चीज़ है कमाल है ना कमाल नहीं है हलाल कमाना कमाल फिदा खुदियत सला तो फ़न तशर व फिलार्द अब तक फ़दलिल्ल वुर्ला कथी रन ज़्यादा जिक्र पर विकार करो कि मन तस्वीन चलाने का नाम नहीं है हलाल और हराम के कवानीन को जानो हलाल में आगे बढ़ो हराम से दूर हो जाओ यही जिक्र पर इन इनको तुम तम अगर तुम्हें इल्म है तो ये चीज़ अच्छी है

आपको मालूम है कि वहाँ पर तिजारत के लिए बाजे बजते थे रहलत शिता वसाइफ यमन से सर्दियों के ज़माने में आता था और शाम से गर्मियों के ज़माने में आता था जब कम्यूनिटी आते थे तो बाजे बजते थे लोग सरकार को तनहा छोड़ कर चले जाते थे उस तजारत के लिए समझिए अच्छी तरह से क़ुरान जो है ज़िंदा है और हमेशा के लिए ज़िंदा कुरान ये कह रहा है कि तुम कुछ छोड़ कर चले जाते थे काहे के लिए तिजारत के लिए वह इधार ओ तजारतन ओ लहन लाह कहते हैं वो चीज़ जो अल्लाह के ज़िक्र से हमको हटाते इनफोला उसकी तरफ़ भाग जाते थे वह तराकू का ए मा हम समझते थे कि जंग के मैदान में भागते हैं ये लोग नमाज़ में भी छोड़ के चले जाते हैं मगर आज कम अज़ कम इतना मुसलमान है कि नमाज़ में चले गए फिर कभी किसी को छोड़ के जाता नहीं है मगर वहाँ पर उस ज़माने में आज के छोड़ने का तरीक़ा अलग है मिसाल के तौर पर आज मैं मिसाल देता हूँ आज हमारे ऊपर सबसे बड़ा बड़ी जो मुसलमानों पर नाजिल हुई बला वो सलफ़ीज़म और वहाबिज़म है जिसने सारे इस्लाम के रूह इस्लाम को बर्बाद कर दिया है और आज हम जुमे के ख़ुतबे में डिमांड करते हैं जिस तरह से वेटिकन फ्री कर दिया गया है उसी तरह से मक्का और मदीना को मुसलमान के हवाले कीजिए इन नजिस लोगों के हाथ में नहीं होना चाहिए जो दीन से वाकिफ ही नहीं है तो जिस तरह से सरकार को तनहा छोड़ कर के भाग जाते थे आज सऊदी गवर्नमेंट इस्लाम को तनहा छोड़ कर के भाग चुकी है किसकी तरफ कुार की तरफ मुशरकिन की तरफ और आज हमसे कहा जाता है कि हमने बनाया है सऊदी गवर्नमेंट को तोज्जो के तलेब अमेरिका कहता है हमने बनाया है वेस्ट कहता है हमने बनाया है तो अब समझ जाओ जब किसके बनाए हुए हैं जिसके बने हुए हैं उन्हीं का काम करेंगे इस्लाम का थोड़ी करेंगे तो यही फ़र्क है विलायत कुफ़ार विलायत तागूत विलायत अल्लाह में तागूत की विलायत किसी और तागूत से आती है अल्लाह की विलायत गदीर से आती है हम लोग उस विलायत के कायल हैं जो गदीर से गदीर गदीस विलायत अल्लाह विलायत है इमा वलियकुमल व रसूल वल्ली अमन यकीमसलात वतू नज़क़़़़़़़त व हम राकून आज अगर वह विलायत उसी पूरे ज़ोर व शोर से अगर उभरी है तो वो माँ मुझे के हाथों में हैं आपने देखा एक फ़तवा सिस्तानी का दुनिया के रंग को बदल दिया इराक़ की पूरी हैसियत को बदल दिया आज इराक़ अपनी इज्जत को वापस ले रहा है सिर्फ़ एक कलम के ज़ोर पर यही फ़र्क है हम में तालिबान में अलकायदा में दाइश में हम लोग कलम उठाते हैं वो बंदूक उठाते हैं कलम अक्लमंद उठाता है बंदूक़ जाहिल उठाता है ये दीन हमें सिखाता है कि तुम्हें लड़ने की ज़रूरत नहीं इमाम खाम रहमतुल्लाह ने कहा था मुसलमान को आज लड़ने की ज़रूरत नहीं जिस दिन मुतहद हो जाएगा उस दिन इतना बड़ा पावर है लेकिन आज देखिए फाइव प्लस वन सब जानते हैं जी ट्वेंटी सब जानते हैं एम फिफ्टी नाइन किसी को मालूम ही नहीं है मुसलमान कंट्रीज़ फ़िफ्टी नाइन है अगर ये मुतहद हो जाए इतनी बड़ी दौलत है जिसका अंदाज़ा नहीं कर सकते इसीलिए अफसोस से कहना पड़ता है विलायत फ़की है इस जमहूर इस्लाम ईरान को बातिल ने रिकगनाइज़ कर लिया अगर कोई क़वत है इनके ख़िलाफ़ काम कर रही है वो जमहूर इस्लामी ईरान है बातिल ने तो विलायत को हमारी पहचान लिया मगर अभी तक मैन क्वेश्चन मार्क लगाता है। इतनी गफलत हमें डाली गई है हमें इतना गुंजलक मैदान में रख दिया गया है जहाँ पर छोटी छोटी मसाइल में हमको उलझा दिया गया है हती मस्जिदों में उलझा दिया गया इमाम बारगाहों में उलझा दिया गया ममिन में उलझा दिया गया आइडियालॉजी में उलझा दिया गया भैया नहीं भाई इस्लाम एक बाफफ़ा मजहब है क्या बात है कि अजीब व गरीब है कि कपड़े की दुकान के पहलू में कपड़े की दुकान कपड़े की दुकान में पहली कपड़े की दुकान एक लंबी कपड़ों की दुकान है मगर कोई कपड़े की दुकान वाला आपस में दुश्मनी रखता नहीं है बल्कि वो ख़ुद अपने यकीन के साथ यकीन के साथ तिजारत करते हैं हमारे पास छोटी सी हरकत होती है तो बाकायदा दीवारें खड़ी हो जाती हैं भैया ये दीन नहीं है पहले जिस दिन हम बॉक्स व इनात को निकालेंगे दिल से दुश्मनी निकालेंगे वहाँ से इस्लाम का पहला स्टेप शुरू होगा पढ़िए मोहम्मद वाले, 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 वाले। छोटा सा मसला आपसे गुजारिश करता हूँ उम्मीद है कि का का अफगानिस्तान में अब तक पांच ट्रिलियन डॉलर खर्च हुए हैं और इराक़ और अफ़गानिस्तान अगर मिलाते हैं तो सात या आठ ट्रिलियन डॉलर्स ट्रिलियन डॉलर के माने अरब के माने बिलियन है एक अरब उर्दू में जिसको कहते हैं उसको बिलियन कहते हैं ऐसे सौ अरब को एक ट्रिलियन कहते हैं पाँच ट्रिलियन डॉलर्स अफगानिस्तान की जंग में ख़र्च हुआ अगर ये अफग़ानिस्तान की बहबूदी में ख़र्च होता तो अफ़गानिस्तान जन्नत नुमा बन जाता था और पूरे अफ़ग़ानी ग़ुलाम हो जाते कहाँ गया फ़ाइव ट्रिलियन डॉलर समझें मुसलमान आज आँख खोलें आज सारे मुसलमानों पे जो बल आए बलएँ आई हैं वो अपने मिम्मा कसबत सब आई दी कम हमने आप हाथों से लाया है रबना अल्लाह तो आखिद नसी ना वख्त ना रबना वाला तहमिल इस रन कमा हमल तो मिन कब्लीना यह इस है जो दगार ने हम पर नज़ाम नाजिल किया है आपस में छोटी छोटी बातों में उलझे रहें और वह लोग अपने हमारी दौलत को बटोर कर चले जाएँ चुनाचे पाँच ट्रिलियन डॉलर कहाँ गए अमेरिकन गन फैक्ट्री में वन वेस्ट के गन फैक्ट्री में हमने जाने दी हमने औरतें दी हमने इज़्ज़त दिया हमने सब कुछ दिया हमने माल भी दे दिया क्यों हमसे ज्यादा कोई बेख़ौफ़ मिलता नहीं है इन 20 साल के अंदर 5 मिलियन 5 मिलियन मुस्लिम रेफ्यूजीज हैं यानी उनके घरों से उनको निकाला गया उनके घरों से हटाया गया और आज सौ दो सौ हज़ार अमेरिका लेता है कनाडा लेता है चंद लेता है सारी दुनिया पे एहसान मचाते हैं और उसकी जर्मन की उसने साफ कह दिया सबसे नज़दीक मुसलमानों के सऊदी है लेता क्यों नहीं है पैसा भी उनके पास है तो ये जाहिर कर दिया कि ये सऊदी मुसलमानों से कोई रब्त रखते नहीं हैं दुश्मन कह के बता रहा है कि तुम्हारी यह हैसियत है तो क्या करना चाहिए मौलाना मैं अकेला क्या कर सकता हूँ मैं बॉम्बे में रहता हूँ मैं कनाडा में रहता हूँ मैं अलीपुर में रहता हूँ मैं अपने देहात में रहता हूँ मैं वाट कैन आई डू नमाज जुम्मा में सीधी सीधी बात नमाज़ पढ़ाइए चले जाइए चक्कर में सियासत के क्यों क्यों पढ़े हुए हैं किसने कहा है ना भाई इस नमाज जमा की रूह सियासत है और नमाज जुम्मा में अगर ये हालात ना बयान किए जाएँ तो फिर कहाँ बयान हो पहले तो हमारे पास मीडिया नहीं है मीडिया हॉलीवुड, बॉलीवुड लालीवुड के हाथ में है हमारे पास मीडिया या मेंबर है या ख़ुदात जुम्मा है यहाँ पर भी अगर हम हक ना बोलें तो कहाँ बोले कहाँ बोलें तो ये सारा मसला मैं आपको ख़ुलासा करके बता दूँ आज करबला तैयार हो चुकी है अगर कोई सो रहा है तो बिल्कुल गफलत में है इस वक्त करबला चल रही है आवाज़ है हल मिन ना न यंसरना आ रही है सीरिया में मकाम मुक़दसा की हिफाजत करने वाले रोज़ाना शहीद हो रहे हैं उठा करके देखिए है ज़्यादा तारीख़ उठा करके रोज़ाना जनाब जैनब की ज़री को हरम को बचाने के लिए उस चार साल बच्ची को जो क़ैद हो के गई थी उसके रोज़े पर हमला हो रहा है उसको बचाने के लिए और हम अपने कम्फर्ट जोन में हमें पता भी नहीं है और हमें हक भी नहीं है कि जहां बोलना चाहे वो बोल भी सके अजीजाने जीज़ा ग्रामी दुश्मन समझ चुका है असल दीन किसके पास है इससे ज़्यादा बदबकी क्या है कि सऊदी का फॉरेन मिनिस्टर ये कहें अगर वक्त पड़े तो हम हमास का मदद नहीं करेंगे इसराइल की मदद करेंगे अब समझिए इमाम ख़ुमैनी अलैहि की निगाह पैंतीस साल पहले किस बात पर थी मुसलमानों का अव्वल इम्तियाज़ फ़लस्ती है बैतुलमुक़दस है उस शख्स ने पैंतीस साल पहले बता दिया ये सियासत का अवलिन बेहतरीन अगर नुस्खा समझना है अगर समझना है तो सऊदी गवर्नमेंट किसी मदद कर रही है इसराइल की इसलिए कि जिससे बनी है उसकी मदद करिए नौजवान बच्चों से ख्वाहिश करता हूँ सऊदी ओरिजिन को जा के उठा करके देखिए उनकी इब्तदा कहाँ से है इनका ताल्लुक़ टोटल यहूदियों से इनका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है क्योंकि यहूदियों से ताल्लुक़ है इसलिए ये लोग मरबूत हैं उन्हीं की मदद में कभी मुसलमानों की मदद करने वाले नहीं हैं अफसोस ये है कि सात हज़ार मुसलमान हालत हज में अहराम में मारे गए मरे नहीं मारे गए मुसलमान कुछ नहीं कह सकता डेढ़ सौ या कुछ और फ्रांस में मरे तो सुबह से शाम तक तस्करा है गोया दूसरे मकाम के इंसान नहीं है अगर कोई इंसान है तो मगरबी इंसान है कितना इम्बैलेंस है कितनी इनह्यूमन है कितनी गैर इंसानियत है तो क्या इसका इलाज क्या है इसका इलाज हमारी बेदारी हमारी बेदारी हमारी बेदारी इस्लाम को सिर्फ सजदों में महदूद ना कीजिए इस्लाम को क़ियाम में लाइए जब तक क़ियाम नहीं करेंगे उस वक्त तक इस्लाम हमारे हाथ में आने वाला नहीं है अल्लाह हम सबको तो तौफीक दे पर कहीं ऐसा ना हो कि इस आयत के जैल में हम भी आ जाएँ इधाराओ तजारत इन लाई भाग के चले गए सरकार को तनहा छोड़ गए आज इस्लाम को तनहा छोड़ के दुनिया चले गई और इस्लाम हल में न सरसोरना आवाज़ दे रहा है अजीज़ा नगरामी सलाम हो उस शहीद पर जिसने अपना सब कुछ लुटा कर वो बचाया जो अम्बिया की मेहनतें थीं इसीलिए सलाम असलम या वारत आदम सफ़तिल्ल या वारत नबी या वारत इब्राहीम खलील अजीज़ा ग्रामी हम सब को तोफ़ी झाप पर दिगार दे कि इमाम हुसैन के रहनमू इस्लाम के रहनमू पर चल सकें और यही रास्ता है कामयाबी का और मैं आपसे बैक करता हूँ ख़्वाहिश करता हूँ भीख मारता हूँ छोटी छोटी बात में उलझिए नहीं मोहब्बत बाँटिए दुश्मनी यानी है आपस में बख्ज़ो इनात को निकालिए एक जमात के दरमियान दूसरी जमात के दरमियान एक मरकज़ के दरमियान दूसरे मरकज के दरमियान जो दीन की खिदमत कर रहा है उसके लिए आगे बढ़िए अपने लिए सर्टिफिकेट मत दीजिए कि मैं ही करेक्ट हूँ दूसरा गलत है इस तरह से कोई सर्टिफिकेट दे नहीं सकता जो कर रहा है जो कर रहा है उसको पाएगा अगर किसी की गलत नीयत है वो पाएगा हम लोगों को बासफ़ा रहना ज़रूरी है जब ये बासफ़ा दिल मिलेंगे आपस में فإن شاء الله اتحاد کے لئے بہترین آگے راستہ سکے گا. ان حسن الحديث وابلغ المعدة الحسنة كتاب الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا